किशनगंज के रुईधासा मैदान में हम अभी मौजूद हैं, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल जनसभा है और यहां पर तैयारी जोर शोर पर है। अभी शाम का वक्त है और सर्दा हवा भी है और मौसम भी ठंडा है, लेकिन युवाओं में जोश है कि तैयारी तो कई दिन से हो रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। CAA और NRC के खिलाफ में लोग तो काफ़ी दिनों से सड़कों पर हैं और कल हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो शुरू से ही इस बिल के मुखालिफ में है और सबसे पहले इन्होंने बिल फाड़ा था सदन के अंदर और हम लोग उसी दिन से किशनगंज में रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमारे सदर साहब आ रहे हैं और हम लोग का पूरा सभी सीमांचल के हर गांव में खबर है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कल कम से कम 2-3 लाख लोग यहां पर आएंगे इंशाल्लाह। किस तरह का आप लोगों के अंदर फीलिंग हो रहा है कि कल जी बहुत बढ़िया फीलिंग हो रहा है जो नकी भी मिले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कल हमारे बीच सीमांचल हो या किशनगंज के रुईधासा मैदान में जो आ रहे हैं, तो चाहिए कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत तैयारी हों तरह तैयारियाँ होती रहती है और सीमांचल के लोगों से खास करके अपील करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद आकर के रुईधासा में कामयाब बनावे। ये NRC और CAA और NPR जो नया कानून बनाया है, ये तानाशाह हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये गृह मंत्री अमित शाह के ख़िलाफ़, ये नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जो अपने बाप की गद्दी को समझते हुए इस कुर्सी में बैठे हुए हैं जी। मैं खास करके सीमांचल वासियों से अपील करना चाहूँगा और अमौर बहादुरगंज ठाकुरगंज जितने भी विधानसभा हैं सब से यहाँ लोग आएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। किस वक्त से आप यहाँ पर, इस खासकर ठंडा का मौसम है? सर हम तो यहाँ लगभग आधा घंटे से हैं जी और यहाँ पे CAA और NRC और NPRC के खिलाफ जो देश में ये मुहिम चलाया गया है उसके खिलाफ में हम लोग सब कोई किशनगंज में हड़ताल किए और हर जगह जो हड़ताल हुआ और यहाँ भी कल ओवैसी साहब आएंगे तो उसी विषय में बात करेंगे और सबको बताएंगे कि हड़ताल कीजिए और जब तक ये कानून ख़त्म नहीं किया जाता है तब तक हम लोग रोड जाम करेंगे, हर चीज़ हम लोग अपने इस पर उतरते ही रहेंगे। कैसा ओवैसी साहब कल आ रहे हैं और आप अभी तक यहाँ पर जो है पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, क्या आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कल किस तरह और किस तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे? मैं पूरे सीमांचल वासियों से गुजारिश और अपील करता हूँ कि कल ये जन सैलाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता चले कि ये जन सैलाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जानिब से हो रहा है और हमारे पूरे सीमांचल वासियों से गुजारिश है कि राजनीति से हट के ये NRC CAA NPR का मामला, ये हमारे कौम व मिल्लत का मामला है। इतने तादाद में लोग आए कि दिल्ली में बैठे हुए इन गद्दारों को पता चले कि किशनगंज सीमांचल में ये भीड़ जवाब के रूप में आए। सही में दिल्ली में हाँ बिल्कुल उन लोगों को मालूम चले आया कि सीमांचल के लोग एकजुट हो गए। सीमांचल के लोग कल जन सैलाब की तरह यहाँ आएंगे और इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम सब यहाँ आएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एकता का मिसाल देने जा रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे इलाके से उसको देखने के लिए और सुनने के लिए आदमी आ रहे हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि युवाओं में एक जोश है, जज्बा है और सर्दी इस ठंड के मौसम भी युवा बिल्कुल यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि तैयारी किस तरह से चल रहा है। खासतौर पर ये अभी शाम का वक्त है और आपको हम दिखा रहे हैं अंधेरी रात में है, सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और कल 29 तारीख को जनसभा को संबोधित करेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तब तक आप बने रहें और देखते रहें द मैसेज न्यूज़ और लगातार आपको हम दिखाएँगे अपडेट जहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे और यहाँ पर कल पूरा NRC और CAA के विरोध में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तब तक बने रहें और देखते रहें द मैसेज न्यूज़।